वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था टिश्यू के साथ, और टिश्यू का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा है कि टिश्यू किसको बोलते हैं, एंड क्या सीखा है, टिश्यू के टाइप्स सीखे हैं। टाइप्स में मैंने बताया था दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, आज आ जाइए परमानेंट टिश्यू की तरफ। ओके, द टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थाई, है ना, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। परमानेंट नौकरी मतलब क्या, स्थाई नौकरी जिसको हम चाह के चेंज इजीली नहीं कर सकते, है ना। सो परमानेंट थिंग इज परमानेंट एड्रेस, काइंड स्थाई एड्रेस। वैसे ही परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि परमानेंट मतलब स्थाई टिश्यू जो कि फर्दर डिविजन में नहीं जाएगा, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या लिखा है मैंने, द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, ऑफकोर्स वो भी कहां से आया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड होने से ही आया है, ऑफन हैव टू टेक अ सर्टेन रोल इन प्लांट। क्या होता है कि अगर सारे के सारे ही सेल्स परमानेंट टिश्यू के, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के खाली और खाली डिवाइड में ही जाते रहे, मतलब डिवीजन ही होता रहे, तो मतलब बाकी के काम कौन करेगा, मतलब खाना बनाना, खाना पहुंचाना, वाटर खींचना, बहुत सारे और भी तरीके का है ना, फोटोसिंथेसिस करना, वो सब काम कौन करेगा। तो कुछ स्थाई टिश्यू होने चाहिए ना जो कि फोटोसिंथेसिस वाला काम करेंगे। सो सर्टेन रोल्स को निभाना पड़ता है कुछ टिश्यूज को, और वो टिश्यू कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो वो क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी डिवाइड होने की, परमानेंट टिश्यू हो गया ना, तो डिवाइड होने की एबिलिटी को छोड़ देते हैं या खत्म कर देते हैं, या फिर डिवीजन में जाएगा। मैंने बोला था लेबर डिवाइड होता है ना, घर में हर बंदे का हर एक काम है, पर्टिकुलर काम है, तो वैसे ही लेबर का डिवीजन है। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का काम क्या है, डिवाइड करना बिल्कुल नहीं है, डिवाइड करना काम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवाइड किया एंड दे प्रोड्यूस अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का काम क्या है कि वो अपना एक पर्टिकुलर जॉब करेंगे और डिवीजन वाली एबिलिटी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, दे फॉर्म मोर सेल, मतलब दूसरा सेल भी कोई नहीं बनाएंगे, लूज देयर एबिलिटी, अपने डिवीजन वाली एबिलिटी को और दूसरे सेल बनाने वाले एबिलिटी को खो देंगे, और क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू। समझ आया क्या बोला मैंने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, कंटिन्यूअस डिवीजन में जाना। परमानेंट टिश्यू का काम वो नहीं है कंटिन्यूअस डिवीजन में नहीं जाना, बट दे आर मेड फ्रॉम, कहां से आए हैं, ऑफकोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके कुछ परमानेंट टिश्यू बनाती है। अब परमानेंट टिश्यू का हर लेबर डिवीजन है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवीजन करना, परमानेंट टिश्यू का काम है अपना काम करना, जो उसको जॉब दिया जाए, जो उसका जॉब रोल हो, ठीक है, बस अपना काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। सो दे बिकम परमानेंट, ठीक है। अब एक और टर्म आता है तुम्हारे बुक में, डिफरेंशिएशन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू परमानेंट, वो प्रोसेस जिससे कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, बाय टेकिंग अ फिक्स्ड शेप, उसका एक फिक्स शेप हो जाएगा, एक फिक्स्ड साइज हो जाएगा और एक फिक्स्ड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो परमानेंट टिश्यू में कैसे कन्वर्ट होगा, और कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो अपना फिक्स शेप ले लेगा, अपना फिक्स साइज ले लेगा और एक फिक्स पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू करेगा, तभी ना वो परमानेंट टिश्यू की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो उसका काम रहता कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहेगा, ठीक है। सो दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन। नाउ कम टू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है बेसिकली टू टाइप, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वर्ड्स को ध्यान से पकड़ना, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर बेसिकली टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, इतना समझ आया. इतने के बाद हम लोग जो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वी विल मूव टू परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू में हम पैरेन्काइमा से क्या समझते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से क्या क्या समझते हैं उसको डिफाइन किया जाएगा. अभी फिलहाल के लिए इतना नोट कर लीजिए. चलो, नेक्स्ट थिंग इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. आप लोग बोलोगे क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा कहाँ है, तो आप इन तीनों चीजों को समझ लोगे तो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा को भी इजिली समझ लोगे. इसलिए मैंने पहले इन तीनों में डिफरेंशिएट करवाया है आपको कि क्या क्या है, राइट. सो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का ना देखो, इन तीनों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने फैमिली में आ जाओ. ठीक है, फैमिली में पैरेन्काइमा जो है ना वो छोटे बच्चे हैं. ठीक है, इट्स लाइक छोटे बच्चे. कोलेन्काइमा जो है ना वो थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, मतलब मिड एज, बूढ़े मिड एज, जैसे कि हम लोग. ठीक है, थोड़े बड़े हो गए हैं. एंड स्क्लेरेन्काइमा जो हो गया है वो घर में बूढ़े लोग. ठीक है, इस तरह से समझो इस चीजों को. पैरेन्काइमा बच्चे, कोलेन्काइमा मिड एज, और ये स्क्लेरेन्काइमा ओल्ड एज लोग. ठीक है, तो नाउ पैरेन्काइमा को समझो. क्या लिखा है मैंने, टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. रिस्पॉन्सिबल किस लिए होंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, या फिर गैशियस एक्सचेंज के लिए, या फिर फ्लोटिंग इन प्लांट्स के लिए. ये फ्लोटिंग इन प्लांट्स में किस तरह से इस्तेमाल आते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल ये तीनों पॉइंट आप समझ लो. क्या बोला मैंने, पैरेन्काइमा जो वो टिश्यू होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए. अच्छा, फोटोसिंथेसिस में भी किस तरह से इस्तेमाल आते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोरेज ऑफ फूड पक्का होगा, और गैशियस एक्सचेंज की भी जरूरत होगी क्योंकि स्टोमेटा होगा, राइट. ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैशियस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट. कोलेन्काइमा में आ जाओ. कोलेन्काइमा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं ना. फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, पापा मम्मी जैसे जो एज के हैं वो थोड़ा दिमाग बच्चों की तरफ भी जाता है, थोड़ा बड़े लोगों के की तरफ भी जाता है, तो फ्लेक्सिबल माइंड होता है ना, तो उस तरह से याद रखेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं. ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा जो हो गया वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. ठीक है, एकदम हार्ड और रिजिड काइंड. ठीक है, अब होने का कारण भी है. चलो समझो, पैरेन्काइमा मैंने बोला बच्चों की तरह है, सो लिविंग सेल्स है ऑफ कोर्स. ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं ना बच्चों के, मतलब ऊपर के स्किन बहुत सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, तो मेड अप ऑफ ओनली सेलुलोज. डन. दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल, ऑफ कोर्स मिड एज लिविंग सेल्स. सेल्स जो होते हैं उनमें सेलुलोज तो होगा बट साथ साथ में पेक्टिन भी होगा. अब देखो, पैरेन्काइमा सेल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सेल, कोलेन्काइमा सेल उसमें ना सेलुलोज तो है ही, था ही था सेलुलोज. अच्छा, सेलुलोज का लेयर तो यहाँ पे भी था, तो सेलुलोज का लेयर था ही था, साथ साथ में ना अब पैक्टिन का लेयर भी आने लगा है, मतलब डिपोजिशन थोड़ा बढ़ने लगा है. ठीक है, डिपोजिशन थोड़ा बढ़ने लगा है. ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन. लेग्निन किस में आ जाएगा, लेग्निन आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा में. दिस इज द टफेस्ट थिंग. ठीक है, सेल वॉल में ना लेग्निन का प्रेजेंस हो जाता है. लेग्निन जो होता है ना वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये प्लांट के सेल हार्ड हो जाते हैं. अब डिपोजिशन, बच्चों का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह का डिपोजिशन नहीं होता. यहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन होगी ना, हार्डनेस बढ़ता जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सेलुलोज, सेकेंड का कोलेन्काइमा में क्या रहता है, सेलुलोज तो रहता ही है, एक और लेयर चढ़ गया क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है ना, धीरे धीरे मिडिल एज में आ गया पेक्टिन. अब ये जो लेग्निन हो गया वो बिल्कुल ही टफ हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इसमें देखो कोई ज्यादा डिपोजिशन नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेस खाली है. सेल के बीच में अगर मैं ये ऊपर एक और सेल बना दूं तो यहां पर मुझे स्पेस दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस है.
है ना, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। बट अगर मैं यहां पे देखूं तो जितना डिपोजिशन होगा और मैं ऊपर एक सेल बनाऊं तो देखो कितना कम इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें ज्यादा था और इसमें कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं बिकॉज डिपोजिशन इतना ज्यादा है कि डिपोजिशन ने ही सारा एरिया को कवर कर लिया है और इसको बिल्कुल ही बिल्कुल टफ बना दिया है, ठीक है। सो हियर द डिपोजिशन इज नॉट देयर, सो इधर यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा है, डिपोजिशन थोड़ा हो रहा है तो इंटरसेल्युलर स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, डिपोजिशन बहुत ज्यादा है तो इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही मतलब ना के बराबर ही है अगर हम कहेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट ये कहाँ पाए जाते हैं यार, फोटोसिंथेसिस करना है ऑफकोर्स कहाँ पाए जाना है, लीफ में और न्यूली फॉर्म ब्रांचेस में। इसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना है, तो कहाँ पाया जाएगा, स्टेम ऑफ द प्लांट या फिर लीव्स में। इसको क्या करना है, हार्डनेस देना है, हार्डनेस स्टेम को भी देंगे लीव को भी देंगे, और कहाँ, वेन्स ऑफ लीव, स्टेम को देंगे वेन्स ऑफ लीव को देंगे और नेट नट्स या सीड के ऊपर का जो कोटिंग होता है ना, जो टफ वाला कोटिंग, ठीक है, उसको भी हार्डनेस देने का काम करेंगे। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, पॉज करके नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, मिटा ले, चलो मिटा लेते हैं, सॉरी ओके। चलो मैंने इसको मिटा लिया, नाउ मूव फॉर जो दो बचे थे, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगी, बाद में इसलिए बताऊंगी कि दोनों जो है वो टिश्यू जो है ना वो दे आर सिमिलर टू पेरेनकाइमा, दिस इज ऑल्सो दे आर सिमिलर टू पेरेनकाइमा और ये भी एरेनकाइमा भी जो है ये भी सिमिलर है पेरेनकाइमा के, ठीक है, दोनों ही सिमिलर टू पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा नाम से क्या समझते हो, क्लोरेनकाइमा नाम से क्या समझते हो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, तो वो पेरेनकाइमा सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा उसको हम कह देंगे प्रेजेंट रहेगा, उसको हम कह देंगे क्लोरेनकाइमा। दोस पेरेनकाइमा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा उसको हम कह देंगे क्लोरेनकाइमा, दोस पेरेनकाइमा विच आर हैविंग क्लोरोफिल विद इट, इट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। सो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस, डन, समझ आ गया, समझ आ गया। चलो एरेनकाइमा, 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 एरेनकाइमा से क्या समझ रहे हैं, एयर समथिंग, एयर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, पेरेनकाइमा से सिमिलर होगा, समझ में आया। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स पे प्रेजेंट रहता है, क्यों प्रेजेंट रहता है, बिकॉज उसको फ्लोट करना है, तो फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, एरुलर स्पेस चाहिए, है ना, फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, लार्ज एयर कैविटी चाहिए। सो दोस पेरेनकाइमा सेल हु हैव लार्ज एयर कैविटी विद इट,
and helps in floating of plant is known as parenchyma cell. समझ आया? Parenchyma का मतलब क्या हुआ? Air. एयर मतलब लार्ज कैविटी होनी चाहिए. लार्ज कैविटी क्यों होनी चाहिए? फ्लोटिंग के लिए होनी चाहिए. जो प्लांट फ्लोटिंग करते हैं उनके पैरेन्काइमा सेल में अगर लार्ज कैविटी बन गई तो उसको कहा जाएगा पैरेन्काइमा सेल. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज यहां तक नोट कर लीजिए. समझ आ गया? ओके. अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको रख कर लेना. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट टॉपिक इज एपिडर्मिस. और ये सब तो आप ही बताओगे मुझे कि एपिडर्मिस क्या होता है. ठीक है, इतने दिन से तो पढ़ते आ रहे हैं बायो बायो बायो, क्लास 6 से ही शुरू हो चुका है एंड यू हैव टू नो कि एपिडर्मिस क्या होता है. चलिए बताइए, टॉपिक इज एपिडर्मिस. टॉपिक इज एपिडर्मिस. व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या होता है? व्हाट इज एपिडर्मिस? यस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स. ठीक है, जो भी टिश्यू है, जो भी सेल है, सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना? जिसका भी होगा भैया आउटर मोस्ट लेयर होगा. लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ का आउटर मोस्ट लेयर होगा, स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर होगा. ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं. डन. और बताइए. ठीक है, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, सो इट कवर द एंटायर प्लांट. इट कवर द एंटायर प्लांट. ये भी पॉइंट मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सो इट कवर द एंटायर प्लांट. और बताइए, और बताइए, और बताइए. इट इज थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल. इट इज थिन लेयर ऑफ, थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल. ठीक है, ये सिंगल सेल का एक पतला सा लेयर होता है, बट इन प्लेस विथ लेस वॉटर. ठीक है, एक इट इज थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल. ठीक है, ठीक है, बट इन प्लेस विथ लेस वॉटर. अगर बट मैंने क्या कहा? इन प्लेस विथ, प्लेस विथ लेस वॉटर. वॉटर की जहां पे कमी हो तो क्या होना होगा? एपिडर्मिस को थिक होना होगा ताकि लॉस ऑफ वॉटर कम हो सके. सो एपिडर्मिस शुड बी थिक. ठीक है, ठीक हो जाएगा. चलिए यहां तक हो गया. आगे बताइए, आगे बताइए. द सेल इज जनरली फ्लैट विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम. द सेल इज जनरली फ्लैट विथ नो इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन देम, है ना? अगर यार इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो स्किन के अंदर तो सब कुछ घुस जाएगा, धूल कंकड़ मिट्टी, तो नहीं घुसने देना है, प्रोटेक्शन करना है. तो क्या होना होगा? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा. आगे बताइए, आगे बताइए. एपिडर्मिस का बाहर का लेयर जनरली थिक होता है एंड इनर लेयर इज थिन. एपिडर्मिस आउटर वॉल इज थिक एंड इनर
वॉल इज थिन, ठीक है, आउटर लेयर जो होता है वो थिक होता है बिकॉज की प्रोटेक्शन करना है. इनर लेयर ठीक है थिन होने से भी चलेगा. नेक्स्ट, एपिडर्मिस के पास कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं. सो एपिडर्मिस डर्मिस कंटेन समटाइम कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. कहां पर लिखते हो इसको? एपिडर्मिस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट में, एग्जाम्पल के रूप में मैं दे सकती हूँ रूट में. क्यों? रूट में रूट हेयर होते हैं ना. रूट हेयर क्यों होते हैं बताओ तो? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. ज्यादा एब्जॉर्प्शन करे वॉटर का, है ना, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. ज्यादा करना है वॉटर का एब्जॉर्प्शन, इसीलिए रूट हेयर होते हैं. और बताइए, और एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस का क्या काम है यार? मेन काम है ना प्रोटेक्शन. मेन काम क्या है एपिडर्मिस? मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन करना, ठीक है. एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है. प्रोटेक्शन किससे करना है? फंगी से, इन्फेक्शन से, कोई भी इन्फेक्शन से. फंगी से ना बोल के मैं बोलूं, प्रोटेक्शन कैसे करना? इन्फेक्शन से या फिर वॉटर लॉस से, ठीक है. किसी भी तरह से प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, ठीक है. या फिर इंजरी वगैरह भी बोल सकते हैं हम, इंजरी वगैरह भी होने से. डन, ठीक है. सो वॉटर लॉस को स्पेशली बचाने के लिए ना हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है. एक क्यूटिकल का लेयर होता है लीफ के ऊपर. बेसिकली लीफ के ऊपर जो होता है एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो कि मोटा, मतलब थिक लेयर होता है. ये थिक लेयर क्या होता है? वॉटर लॉस के से बेसिकली प्लांट को बचाने का काम करता है. डन, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है. आ गया समझ पे? नोट हो गया? चलो मिटा ले. चलो बढ़ते हैं. एपिडर्मिस में रहता है एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टोमेटा. सबको पता है स्टोमेटा क्या होता है? एवरीवन नोस स्टोमेटा क्या होता है, है ना. सो अगर पता है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं. What is a stomata? Stomata is the small opening in the epidermis. Epidermis पे एक small opening होता है. कैसा दिखता है? कुछ ऐसा
गार्ड सेल क्यों कहते हैं, ये पोर है ना उसको गार्ड कह रहा है. दीज आर जनरली बीन लाइक स्ट्रक्चर. डन. और गार्ड सेल के जो बाहर के स्ट्रक्चर जो भी सेल्स देख रहे हो आप, दोज नोन एज सब्सिडरी सेल. ठीक है, सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, इतना तो कम से कम आपको स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए. डन डन. ओके, कैन वी मूव फॉर ट्रांसपिरेशन. चलिए बढ़ते हैं आगे ट्रांसपिरेशन की तरफ. मिटा ले. ओके डन. ट्रांसपिरेशन, द टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, क्या समझते हो ट्रांसपिरेशन से आप? What is the process? मतलब definition अगर मैं पूछूं तो क्या होता है transpiration का? Definition क्या होता है transpiration का? Please comment box पे लिखिए definition क्या होता है transpiration का. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने. आगे बढ़े, आगे बढ़े. मुझे लिखना पड़ेगा क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन चलो लिखा ही देती हूं. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? प्लांट्स सम टाइम लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapor, in the form of water vapor through stomata is stomata. This process is known as transpiration. Done. Chal. The important thing is not ki transpiration ka definition kya hai. Ye to hum log bachpan se padhte aa rahe hain. What is the role of transpiration in plant? What is the role of transpiration in plant? Transpiration ka kya kya role hai? ठीक है, चलो सबसे पहला रोल है, मैं ही बता देती हूँ, गैशियस एक्सचेंज. है ना, जो मैंने बताया था स्टोमेटा से गैशियस एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, और रोल सोचिए, और क्या रोल है? प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम ओवरहीटिंग. है ना, प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम ओवर हीटिंग. है ना, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बॉडी का ना हो जाए, इसलिए वी यूज टू स्वेट टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. है ना, उसी तरह से प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, ठीक है. ट्रांसपिरेशन का और काम, ट्रांसपिरेशन का और काम, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट. मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, वाटर इन प्लांट. अब मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है? देखो, एक तरफ से पत्ते से ट्रांसपिरेशन हो रहा है. ट्रांसपिरेशन होते होते कोई मेजरमेंट थोड़ी ना यार, कि इतना ट्रांसपिरेशन होता है इसके बाद प्लांट को और ट्रांसपिरेशन की जरूरत नहीं है तो और ट्रांसपिरेशन मत हो. कभी कभी एक्सेस वाटर भी चला जाता है ना. सो एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है ना हमारी बॉडी में.
तो प्लांट को भी पानी की कमी हो जाती है, तो उस वजह से रूट जो होता है अगेन सक करता है पानी, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, यही है रोल ट्रांसपीरेशन का, ठीक है। हो गया डन यहां तक। अब चलो मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो मिटा लिया मैंने इतना जो पढ़ाया ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट इज विच गैस इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू प्लांट इन डेजर्ट एरिया have a waxy coating, why do plants in desert area have a waxy coating called cutin on the सरफेस ऑफ लीव, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन एंड द थर्ड वन क्या दूं मैं, व्हाई डू ब्रांचेस ऑफ ओल्ड लीव आर डिफरेंट देन द स्टेम ऑफ न्यू लीव, व्हाई डू ब्रांचेस ऑफ old leaf are different from new leaf, ठीक है। यही तीन क्वेश्चन है जो आपको करने हैं एंड कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं, और आगे की क्लास में हम इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।